हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस का जो है 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसके पहले जो है हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, ठीक। जो जो दोस्त जो है इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक लोकोक्ति है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब क्या होता है? तो अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है कर्म का फल जो है अवश्य मिलता है। क्या होता है? कर्म का फल अवश्य मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त जो है चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक छूत से फैलने वाला रोग है, ठीक। तो इसमें जो है रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें जो है रेखांकित शब्द जो है संक्रामक। क्या हो जाएगा? संक्रामक, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रवि ने जो है ईश्वर को न मानने वाला पुरुष, यानी कि ईश्वर को न मानने वाला पुरुष को क्या कहते हैं? तो आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से चार विकल्पों में से जो है वाक को जो है शुद्ध चूज करना है, ठीक। इसमें जो शुद्ध वाक जो होगा क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, तुलसी और सूरक्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा, ठीक। इसमें जो है सही सब सही जो है चूज करना है। तो सही क्या हो जाएगा? तो प्रधानाचार्य ने है जो है अध्यापक को बुलाया। प्रधानाचार्य जो है अध्यापक को बुलाया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से दिए गए जो है विलोम शब्द छाटना है। तो सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का जो है विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। क्या होगा? विमुख, ठीक। अगला क्वेश्चन है मौखिक। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? लिखित। क्या होगा? मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रवि सदा मदन के प्रति क्या होगा? रवि सदा जो है मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। क्या होगा? कृतज्ञ रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिथि ने भोजन करने की क्या होगा? अतिथि ने जो है भोजन करने की इच्छा व्यक्त। क्या हो जाएगा? इच्छा व्यक्त की, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन एरर, ठीक। जिस सेंटेंस में जो है एरर है उसे चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसमें जो है पहले में जो है एरर है, ठीक। इफ आई वाज यू की जगह इफ आई वेयर यू होगा, ठीक। इफ आई वेयर यू, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी एरर चूज करना है। तो इसमें जो है देन प्ले की जगह बट प्ले होगा। क्या होगा? देन प्ले की जगह बट प्ले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देन प्ले नहीं होगा यहाँ पे, बट प्ले होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का आंसर होता है परोपकारी, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कार्टिबल। क्या होगा? कार्टिबल। इसका भी मतलब वही होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वैलिडेट। वैलिडेट का वैलिडेट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस अप्रूव। क्या होगा? डिस अप्रूव, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डैश नोवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डैश सब्जेक्ट फॉर अ नोवल। क्या होगा? सब्जेक्ट फॉर अ नोवल, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो किसे हटा सकता है? तो किसे एक छोड़कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद को छोड़कर जो है इन सभी को जो है राष्ट्रपति अपने पद से इनको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन किस शहर में जो है नौसेना का मुख्यालय नहीं है? तो किस शहर में? चेन्नई में नहीं है, ठीक। कहाँ जो है? चेन्नई में नौसेना का मुख्यालय नहीं है। पूर्वी कमान जो है विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुंबई हो जाएगा, और दक्षिणी कोची में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो सार्क का जो है पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए जो है सागरीय मार्ग की खोज, तो इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। किसने किया था?
वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के खुलते ही कहाँ से, तो इसका सही आंसर आएगा लंदन एवं चेन्नई के बीच समुद्री मार्ग छोटा होगा। किसके किसके बीच? लंदन एवं चेन्नई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच में, कब? 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने, किसने किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने जो है प्रथम ये जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया जो है कला कुछ शासकों का कालक्रम है उसके अनुसार इन्हें सजाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सबसे पहले हो जाएगा हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद बहादुर शाह जफर। ठीक, सबसे पहले ऐसे तो हो जाएगा बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यह सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो किसके शासनकाल में थी? इसका सही आंसर आएगा बालाजी बाजीराव। किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो है मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर एवं प्रतिष्ठा पर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में, कब? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में मुंबई में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु की जो है पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, तो किस कारण? तो सौर विकिरण और सौर पवन के कारण जो है सूर्य से दूर होती है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो है राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के जो है महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी को, किसको? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। क्यों, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में, कब? 1942 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो किस प्रधानमंत्री ने जो है समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। किसने बढ़ाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो कितने दिनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। कितने दिन में? 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। किसके? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत के जो है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की जो लंबाई है कितनी है? 5900 किलोमीटर नहीं हुआ, कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ? महाबलेश्वर के समीप। कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर के समीप स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत जो है किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष देश है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक, इसके कारण जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण जब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब, यानी कि चंद्र ग्रहण जब कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को जो है 34 किलोमीटर के बीच चली थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो कौन सा सदन जो है अधिक शक्तिशाली होता है? तो ए और बी दोनों सदन जो है समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। ठीक, कौन है?
दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी में सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पद जो हो जाएगा पायलट ऑफिसर। कौन सा हो जाएगा? पायलट ऑफिसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का जो है सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है? एशिया। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो है नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान ये जो है नरेंद्र मोदी जी का यह नारा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे दूर वायुमंडलीय परत को बहिर्मंडल के नाम से। किसके? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी जो है किसे संबंधित है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किसे है? फुटबॉल से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आला रखा जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्रों में से वादन के लिए प्रख्यात है? तो आला रखा जो है किसके लिए? तबला के लिए। किसके लिए प्रख्यात है? तो तबला के लिए प्रख्यात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वो कौन थे? तो वह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो है बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है मुखमंडल की मूर्ति स्थल है? तो किस जो है किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा। कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो कहाँ का जो है मुख्य फसल चावल है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कहाँ का? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र का जो है मुख्य फसल चावल है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? तो काली मृदा। किस प्रकार की मृदा है? तो काली मृदा, जो कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो कौन सा जो है नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है? तो रबर। रबर जो है केरल में पैदा होता है। कहाँ? केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो किससे जो है राजस्थान नहीं सटा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से जो है राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिलोकृण को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? एलोरा में। कहाँ स्थित है? एलोरा में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान से, कि एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती हो तो परावर्तन कोण कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 60 डिग्री। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके और आराम से सेट बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लंबाई का मात्रक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक अनंत तल समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भार के केवल एक हिस्सा को संभालने रखना होता है। क्या होता है? भार के जो है केवल एक हिस्सा को संभालना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। किस पर? ठोस पर जो है कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विराम अवस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है तो उस बक्से का वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पहले से समान भार वाला लगेगा। कैसा लगेगा?
तो पहले के समान भार वाला लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो बर्फ पिघल जाएगी तो वैसा ही रहेगा। कैसा होगा? वैसा ही रहेगा, ठीक, वही बना रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय तापमान जो है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है तो कुछ कम तापमान पर भी पानी उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पीतल जो है किस मिश्र धातु का बना होता है? तो पीतल जो है किसका? तांबा और जिंक। किसका? सीयू और जेडन का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना क्या होगी? तो गुजरने वाली धारा की जो है संगणना कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर। कितना होगा? 9 एम्पियर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ठोस कहते हैं। जिसकी आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन द्वारा। किस विधि द्वारा? तो अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु में जो है प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। किसके? नाभिक के भीतर, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसकी संख्या के बराबर? तो प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंग उदाहरण है, जंग जो है किसका उदाहरण है? तो जंग जो है एक यौगिक का उदाहरण है। किसका? यौगिक का हो जाएगा, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूरी को वस्तु स्पष्टतः नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो किससे पीड़ित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टियों से पीड़ित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज वायर का जो कार्य होता है कि प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है कि पाइप में पानी जमने पर जो है जो पानी फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है धातु सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? तो सबसे अधिक सुचालक हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर, यानी कि चांदी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि H2O के वाष्प श्वेत निर्जन CuSO4 को कर देता है, CuSO4 को कैसा करता है? तो नीला। क्या हो जाएगा? नीला कर देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा निर्जल क्रिस्टल है, तो कौन सा जो है निर्जल क्रिस्टल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4O2 और SO4 जो है यह एक निर्जल क्रिस्टल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हवा का जो है वाष्प घनत्व तो कितना होता है? तो हवा का जो है वाष्प घनत्व तो जो है कितना होता है? 14.4। कितना होता है हवा का वाष्प घनत्व? 14.4, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है P+N, यानी कि 20 + 19, यानी कि कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी झील के सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का तापमान जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता का मापन करते हैं, तो दूध की जो है शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से। किसे करते हैं? लैक्टोमीटर से, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है? तो पत्तियों का जो है हरा रंग होने का कारण है क्या? क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या कारण है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है? अणु, ठीक। क्या कहलाएगा? अणु। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लोट होने वाली वस्तु सदैव डैश के द्वारा बनाई जाती है, और वस्तु और धातु उस पर चढ़नी वह सदैव डैश द्वारा हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड। कैथोड बनाई जाती है और धातु उस पर चढ़नी हो तो सदैव वह एनोड बन जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब गणित से संबंधित क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जो है
980 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस कौन सा सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये जो है इससे गुणा करने पर 4900 आ जाएगा, जो कि 70 का एक वर्गमूल है। ठीक, 70 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि 9 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने आदमी जो है 24 दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने आदमी 24 दिनों में पूरा करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने आदमी हो जाएंगे, 6 आदमी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जो है जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह के चलने पर कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, 4 घंटा लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि कमीज की लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो उसकी जो है मूल्य लागत कितनी है, तो कितनी है मूल्य लागत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कितना है, 80 रुपीज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30% का लाभ होता, कितना होता, 30% का उसे लाभ होता। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% हानि होती है, तो 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ होते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या माने कि 96 रुपये का 36 बॉल पेन बेचने पर उसे जो है 20% का लाभ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता जो है 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उस पर मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है, यदि उसे 300 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, 25% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व जो है 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी आयु ही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी, तो बच्चे की आयु जो है कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को जो है 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा 12.4, कितना हो जाएगा, 12.4। ठीक,